हम मीटिंग करने जा रहे हैं और आगे जो भी है हम केंद्र सरकार से बात करने वाले हैं। थैंक यू। सर ये जजमेंट होती है कि आपके बच्चों की जजमेंट थी, आपके मुस्कुराहट से ही हमने कह दिया कि कुछ ना कुछ तो है। आपने खुद कह दिया मीटिंग होने जा रही है और नेक्स्ट टाइम जब आप बीच में हमारे आएंगे यही बताएंगे कि बच्चों आपके वो टाइम भी हो गया जो आपने बोला था, आपकी डिमांड फुलफिल हो गई है। इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया, क्योंकि 19 दिन तक आप नहीं यहाँ आए, आज आप आए। कुछ ना आने मुझे पता है, मुझे फाइन हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने कहा कि सर की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए सर के साथ जरूर टच में रहो, हमारे बीजेपी पार्टी के साथ टच में रहो, कहीं ना कहीं वो जो आपका मसला है ना वो हाईलाइट है इस समय। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि सर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बीच में, हमारे रैना साहब भी हैं, सर भी हैं, सभी है। तो ये जल्द से जल्द न्यूज मिलेगी, बस हौसला बढ़ा के रखना। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी पीछे से इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ हमें बोला गया कि रोड खाली कर दीजिए, और आप भी देख लीजिए रोड खाली है, प्लीज हम फाइट पट्टी के साइड है तो हम बिल्कुल भी रोड को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि हम बिल्कुल वायलेशन नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, देखिए रोड के पार बैठे हैं, तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है कि यहाँ बैठने दिया जाए। और हम इनके साथ खड़े हैं, कोई दो राय नहीं, पार्टी ने कुछ कमेटीज बनाई थी, उसकी रिकमेंडेशन हमने उसको बना के देनी है, आज उसके बारे में बैठक है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो केंद्र सरकार में रखी जाएंगी और जो भी उनकी मांगे हैं वो फुलफिल हों, उसके लिए पूरा प्रयास जारी है, उम्मीद करनी चाहिए कुछ अच्छा ही हो। थैंक यू।